बिग बटरफ्लाई मंथ में राजस्थान को गौरव हासिल हुआ है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में भारत की एक नई तितली की प्रजाति खोज निकाली गई है। यह काम वागड़ नेचर क्लब के सदस्य और पेशे से शिक्षक मुकेश पवार ने किया है। यह तितली देश की 1328वीं तितली प्रजाति है जिसकी खोज हुई है। इसका नाम स्पियालिया जेब्रा रखा गया है। यह मात्र 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई की होती है। सागवाड़ा निवासी तितली विशेषज्ञ मुकेश पवार ने सालों की मेहनत और शोध के बाद इस प्रजाति को खोजा। इसकी पहचान भीमताल स्थित बटरफ्लाई शोध संस्थान ने की। मुकेश ने 2014 में क्लिक कर संस्थान को इस तितली का फोटो भेजा था। 6 साल की लंबी शोध के बाद संस्थान निदेशक पीटर स्मेटा चौक ने इसकी घोषणा की। जानकारों की माने तो पाकिस्तान में 1888 में ही दिख गई थी यह तितली। इस खोज से पर्यावरण प्रेमियों में खुशी का माहौल है। सर, ये स्पाइलिया जेब्रा नाम की तितली है और ये तितली सागवाड़ा के जो धनराज फार्म है जहाँ पर हमने 24 फरवरी 2018 को पहला बटरफ्लाई फेस्टिवल किया था उसी स्थान पर ये देखी गई थी 8 नवंबर 2014 को पहली बार। उसी लिए उसी स्थान को बटरफ्लाई फेस्टिवल के रूप में मैंने चयनित किया था। और ये तितली स्पालिया की अगर बात करें तो स्पालिया गालबा हमारे पूरे राजस्थान या इंडिया में कॉमन है और ये एक नई उपलब्धि है हमारे लिए कि हमने इसे देखा। 1328 की तितली कहा जा रहा है इसे हमारे राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से। और यदि हम राजस्थान की बात करें तो अभी तक मेरी नॉलेज में राजस्थान में 114 बटरफ्लाइज हैं और हमारा वागड़ और मेवाड़ जो एरिया है, मेरा काम तो यहीं ज़्यादा पड़ता है और यहीं पर मैं तो वागड़ से ही हूँ तो ज़्यादातर मेरा जो लाइफ साइकिल का काम है वो इसी क्षेत्र से किया गया है। तो मैं तो कहूँगा कि मेरे लिए तो स्वर्ग है वागड़ और मेवाड़। राजस्थान में सर 114 तो मेरी नॉलेज में अभी तक हैं जो फैक्ट एंड फाइनल है। और अन्य जो रिसर्च पेपर अगर यदि हम देखें तो ये संख्या 150 तक जा सकती है। और स्पालिया जेब्रा इसका आइडेंटिफिकेशन में मैं मुख्य रूप से धन्यवाद कहना चाहूँगा पीटर सर का, बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर भीमताल, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि इसकी व्यवस्थित स्टडी करूँ और उन्होंने इसे स्पालिया जेब्रा के रूप में आइडेंटिफाई किया और बायोनोट में इसे प्रकाशित किया।